नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल RS टेक्निकल ट्रिक्स में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए प्रत्येक वीडियो में नई नई ट्रिक्स लाता हूं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी और बेहतर साबित होती है। दोस्तों, आज की जो ये खास ट्रिक्स है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। दोस्तों, आज की जो ये खास ट्रिक्स है वो है घरेलू आटा चक्की में करंट आने से संबंधित। फ्रेंड्स, आपके साथ भी कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि आप जब आटे की पिसाई कर रहे होते हैं तो उस समय जो है आप यदि चक्की के जो है हाथ यदि टच कर देते हैं तो आपको शॉक लगता है, थोड़ा बहुत करंट का झटका लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है और इससे बचने का क्या उपाय है कि हमें जो है आटा चक्की से करंट नहीं आए और इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के बारे में फुल प्रोसेस में बताने वाला हूँ, वो भी प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को, तभी आपको फुल प्रोसेस में वीडियो समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, आटा चक्की से हमें करंट का झटका क्यों लगता है? जब कभी कभार आप आटा पीस रहे होते हैं चक्की में, उस समय आप चक्की के हाथ टच करते हैं तो आपको करंट का झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? फ्रेंड्स, मैं आपको ये दो स्टेप में समझाने वाला हूँ। पहले टेक्नोलॉजी की भाषा में समझाऊंगा और दूसरी बार जो है आपको जो है सिंपल भाषा में समझाऊंगा। तो फ्रेंड, पहले टेक्नोलॉजी की भाषा में ये आपको समझा देता हूँ कि हमें आटा चक्की से करंट का झटका आखिर क्यों लगता है। तो फ्रेंड्स, आपने जो है लाइट हाउस से वायरिंग आती हुई देखी होगी, जिसमें 3-phase लाइट होती है और 3 wire होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक इमेज की सहायता से मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप इस इमेज को देख सकते हैं, ये देखिए, इस इमेज में आपको एक पोल पर 3-phase लाइट दिखाई दे रही है जहाँ पर 3 wire है। तो फ्रेंड्स, दो जो है केबल है लाइट की, जो है DC करंट की और एक AC करंट की, यानी कि एक अल्टरनेट करंट की और दो डायरेक्ट करंट की। अल्टरनेट करंट यानी अर्थिंग का करंट, DC करंट यानी डायरेक्ट करंट, जिसको हम सिंपल करंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, करंट के दो वायर है, उसमें चलते हैं इलेक्ट्रॉन। टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और अल्टरनेट करंट या फिर अर्थिंग का वायर है, उसमें चलता है प्रोटॉन। तो फ्रेंड्स, जब ये तेज रफ्तार से, कभी कभार ऐसा होता है लाइट हाउस से बहुत तेज रफ्तार से जो है करंट और जो AC करंट का जो वायर होता है और जो DC करंट का वायर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत तेज रफ्तार से इसमें गति करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तेज रफ्तार से गति करते हुए जब ये हमारे घरों की जो वायर होती है उसमें जाते हैं और उससे सीधे जहां पर बोल्ड वगैरह लगे होते हैं, बल्ब वगैरह, तो फ्रेंड्स उसमें ये जाते हैं, तो वहां पर इनको सिंपली रोकने के लिए आपने देखा होगा MCB भी होती है जो करंट को कंट्रोल करती है और जो है कम मात्रा में ही जो है करंट को आगे भेजती है। तो फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि इसे MCB भी नहीं रोक सकती और MCB भी जल जाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में जो है करंट का फ्लो होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रही है 3 wire या फिर 3 wire देख रही है, इन्हीं में जो है 2 चलता है इलेक्ट्रॉन और 1 चलता है प्रोटॉन। तो फ्रेंड्स, जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ गति करते हुए चक्की की वायरिंग में जाते हैं, यानी कि लाइट हाउस से सीधे घरों में और घरों में सीधे जो MCB से होकर जो है ये सीधे के सीधे जो है हमारे चक्की का जहां वायर लगा होता है, तो उसमें चक्की चालू करने पर ये वायर में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जाते हैं और बहुत तेज़ रफ्तार में होते हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज की सहायता से, एक तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है प्रोटॉन। तो फ्रेंड, जब ये एक साथ तेज रफ्तार में चलते हैं तो ये तेज रफ्तार में चलते हुए आगे जाते हैं जहाँ इनका लैंडिंग स्पेस होता है, यानी कि दो आपस में कार पार्किंग में ऐसा होता है कि दोनों जो है गाड़ियाँ एक साथ जो है खड़ी हो जाती है चलकर। तो फ्रेंड्स, ये धीरे से जो है एक साथ जब ये अपना पावर लगाते हैं तभी बल्ब और लाइटिंग का जो है सिस्टम वो पूरा चालू होता है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी ये टकराते हैं तब होता है शॉर्ट सर्किट, यानी कि आपने भी काफ़ी बार ये देखा होगा शॉर्ट सर्किट का। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपनी मात्रा में कभी अपने आप में टकराते नहीं हैं, जब इनको आपस में टकराना होता है तब ये जो है
वायर कहीं ना कहीं जो है खुला होना चाहिए, या फिर वायरिंग जो है एसी और डीसी करंट का वो आपस में टच होना चाहिए, तभी ये आपस में टकराते हैं, अन्यथा नहीं टकराते। काफी सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि वायर आपस में कभी टकरा जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपस में कभी नहीं टकराते हैं, काफी सारे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। शून्य मात्रा में होते हैं इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कभी टकराते नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये आपस में टकरा जाते हैं खुली वायरिंग होने के कारण जब होता है शॉर्ट सर्किट। तो फ्रेंड चक्की की मोटर में जो है चक्की का करंट जो है वो पीछे से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो करंट आ रहा है वो सीधे इस मोटर में जाता है, और मोटर में कभी कभार ऐसा होता है कि ज्यादा मात्रा में करंट आने के कारण वायरिंग जल जाती है पूरी तरीके से, बोल्ट भी जल जाता है। मैंने जैसे कि पहला आपको बताया था कि एमसीबी जो है वो भी जल जाती है। तो फ्रेंड जब इस करंट को जो है रोक नहीं सकते, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में लैंड होते हैं, यानी कि धीरे से यदि लैंड होंगे और आपस में धीरे से जो है मिलेंगे, तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो मिलने चाहिए, मिलेंगे तभी जो है करंट उत्पन्न होगा और जल्दी से जल्दी जो है हमारी सारी लाइटिंग जो है वो जलनी शुरू होगी, यानी कि जलना मतलब लाइटिंग चालू होना। और जब ये आपस में टकराएंगे तो इसमें जो है शॉर्ट सर्किट होता होगा, जो इस प्रकार से आप इस इमेज में देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट का इमेज। तो फ्रेंड्स इन दोनों के आपस में टकराने के कारण ही शॉर्ट सर्किट होता है, अन्यथा जब ये आपस में टकराते नहीं है और धीरे से मिलते हैं तो लाइट का उजाला होता है, यानी कि बिजली जलती है। आपको मैं अभी बताने वाला हूँ एक सिंपल ही शॉर्ट शब्दों में कि एक गाड़ी को आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिए, एक गाड़ी को आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरी गाड़ी है आपको मैं अभी दूसरी गाड़ी की इमेज दिखाने वाला हूँ, इसको हम समझ लेते हैं प्रोटॉन। एक को इलेक्ट्रॉन और दूसरी गाड़ी को जो है अभी हम प्रोटॉन समझेंगे। फ्रेंड ये दूसरी गाड़ी, इसको जो है हम प्रोटॉन समझेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको मैं बड़ी सिंपल शब्दों में समझाने वाला हूँ। ये जो है पहले टेक्नोलॉजी की भाषा में आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि दो जो है गाड़ियां एक साथ चल रही है, आप इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही मानिए, वो गाड़ियां मत मानिए। ये दोनों तेज रफ्तार में अपनी अपनी लाइन में, अपनी अपनी लाइन का मतलब हुआ अपनी अपनी वायरिंग में, दोनों ये तीन लाइन है, यानी कि दो एसी करंट का जो है वायर है और एक है अर्थिंग का वायर या अल्टरनेट करंट या डीसी करंट का, यानी कि दो डीसी करंट के एक अल्टरनेट करंट का। तो ये जो है तीनों गाड़ियां जो है एक साथ चल रही है, यानी कि दो गाड़ियां आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और एक मान लीजिए प्रोटॉन, ये एक साथ चलते चलते इनको जो है 50 मीटर की जो है दूरी पर एक साथ पार्किंग में खड़ा होना है, और जब ये खड़ा हो गया जो है ये दोनों गाड़ियां खड़ी होगी तब जाके पार्किंग का जो स्पेस है वो भर जाएगा, और जो वहां पर कुछ जो है नए नजरिए से वहां पर जो है स्पेस आपको खाली नजर नहीं आएगा, कुछ नई इमेज दिखेगी। तो फ्रेंड इसी प्रकार सेम टू सेम उसमें भी प्रोसेस होता है, लेकिन तेज रफ्तार से चलने के कारण ये दोनों गाड़ियां आपस में कभी कभार अपनी लाइन से बाहर होकर, यानी कि अपनी लाइन से जो है बाहर होकर टच हो जाती है, जो है बिल्कुल आप इस इमेज में देख सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से जो है दोनों गाड़ियां जो अपनी लाइन से अपनी लाइन को जो है क्रॉस करके आपस में टकरा जाती है। सेम टू सेम इसी प्रक्रिया जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होती है कि ये आपस में जब चक्की की मोटर में जाते हैं तो ओवरफ्लो होने के कारण या ज्यादा रफ्तार में होने के कारण आपस में टकरा जाती है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब टकराते हैं और भारी मात्रा में आवेश निकलता है, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश वो भारी मात्रा में निकलने के कारण वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो आपस में जब ये टकराते हैं तो भारी मात्रा में करंट का फ्लो होता है, वो करंट चक्की से भी जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड अभी जो है हमें जो है चक्की से करंट का झटका लग रहा था, तो उस करंट को जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में जो है लाइट हाउस से करंट आ रहा था चक्की के वायर में, तो उनको कहीं भी हमें जो है निकालना पड़ेगा, यानी कि उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है, वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि भूमि जो है भूतल, यानी कि हमारी जो ज़मीन है वहाँ स्पेस जो ज़मीन का आपने देखा ही होगा क्षेत्रफल जो है सबसे बिग है, बड़ा है, जहाँ पर हम भारी मात्रा में जो है करंट को जमीन में ढाल सकते हैं, यानी कि जमीन में उस करंट को लैंड करवा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हमें चाहिए होता है जमीन का हिस्सा, जहाँ पर हम थ्री फेस की जो लाइट थी उनमें से जो है वायरिंग की सहायता से हम जो है इस करंट को जमीन में ट्रांसफर कर देंगे। फ्रेंड्स इस करंट जो चक्की का जो करंट था उसको जमीन में ट्रांसफर करेंगे। किस प्रकार से ट्रांसफर करेंगे ये मैं पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ। किस प्रकार से हम जमीन में गड्ढा खोदेंगे, उसके किस प्रकार से कौन कौन सी वस्तुओं से हम जो है करंट को आकर्षित करके या फिर खींच कर जो है ज़्यादा मात्रा में खींच कर करंट को जमीन में डाल देंगे, और उसके लिए जो है आगे क्या क्या वस्तुएं चाहिए जो करंट को जो चक्की में करंट है उसको ज़्यादा मात्रा में खींच सकती है। तो फ्रेंड उसके लिए सबसे पहले जो है हमें जमीन का बड़ा तल है ये देखिए, तो इसमें एक सिंपली गड्ढा खोद लेना है। किस प्रकार से खोदना है, कितना खोदना है, कौन कौन सी जो है वस्तुएं चाहिए जो करंट को सिंचित करेगी, करंट को जो है खींचेगी अपनी ओर और जमीन में डाल देगी। तो फ्रेंड ये मैं आपको आगे जो है एक शॉर्टकट वीडियो की सहायता से आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो फ्रेंड देखते रहिए इसको पूरी तरीके से, और जो है आपको पूरी तरीके से मुझे लगता है समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से जो है हम चक्की के इस करंट को जो है बड़ी मात्रा में भारी मात्रा में जमीन के जो है तल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो चक्की से करंट आ रहा था उसको हम जब जमीन में ट्रांसफर कर देंगे तो हमें जो है करंट का झटका बिल्कुल नहीं लगेगा, और साथ ही वायरिंग की जो केबल थी उससे भी जो करंट का कभी कभार झटका लगे तो बिल्कुल कम लगेगा, और चक्की से तो बिल्कुल आपको करंट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा जो ओवरफ्लो करंट था या फिर करंट जो बाहर निकल रहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भारी मात्रा में जो है गति करने से, तो वो सारे के सारे करंट को हम कहीं और ट्रांसफर कर देंगे या फिर जमीन में उसको जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपको मैं बताने वाला हूँ सेकेंड स्टेप में किस प्रकार से हम एक गड्ढा खोद कर जमीन में करंट को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि चक्की से जो एक्स्ट्रा करंट निकल रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टकराने के कारण जो करंट उत्पन्न हो रहा है उसको हम कहीं और स्टोर कर देंगे या फिर उसको कहीं और ट्रांसफर कर देंगे। उसके लिए भूमि का तल या फिर हमारी धरती जिसका क्षेत्रफल कई गुना ज़्यादा है और उसमें जो है करंट बड़ी आसानी से समा सकता है। तो फ्रेंड्स हम धरती में कम से कम 1.5 फीट गहरा, आप इस छड़ की सहायता से देख सकते हैं कि कितना गड्ढा जो है गहरा, ये देखिए 1.5 फीट के आसपास करीबन है। तो फ्रेंड्स 1.5 फीट गहरा और जो गड्ढा है लंबाई में 1 फीट चौड़ा होना चाहिए और चौड़ाई में भी जो है 1 फीट चौड़ा होना चाहिए, मिनिमम इतना गड्ढा होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स आप और देख सकते हैं कि कितना जो है ये गड्ढा है गहरा, ये देखिए 1 फीट चौड़ा और 1 फीट ही लंबा है। मैंने पहले इसको जो है स्केल से सहायता से जो है स्केल की सहायता से एक बार मैंने इसका माप लिया था इसको खोदने के बाद। फ्रेंड्स तो फर्स्ट स्टेप में पहली वस्तु जो है राख हम लेंगे इस गड्ढे के अंदर डालने के लिए, राख के साथ थोड़े बहुत कोयले भी है। सेकेंड वस्तु हम लेंगे इसमें लोहे के टुकड़े जिसमें एक लोहे का छड़ है जिस पर जंग लगा है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जंग है जो जंग इस पर लगा होना चाहिए तभी जो है ये काम आएगा, बिना जंग के काम का नहीं है। ये देखिए बोल्ट है इसके साथ में लोहे का जिस पर जंग लगा हुआ है, वही पुराने बोल्ट या फिर लोहे का कोई भी छड़ हो टुकड़ा हो वही आपको लेना है जिस पर जंग लगा हो या फिर ऑक्सीजन की जिस पर परत हो। तो फ्रेंड इसके बाद जो है सोडियम क्लोराइड या फिर नमक, हमें एक कटोरी में एक आधी कटोरी जो है नमक ले लेना है। ये तीन वस्तुएं हो गई है। चौथी इसके बाद जो है कोयले। फ्रेंड्स कम से कम 1 किलो या 1.5 किलो कोयले होने चाहिए आपके पास, जो बड़े बड़े साइज में हो कोयले। तो ये चार वस्तुएं हैं, कोयले, कोयले के बाद नमक, नमक के बाद लोहे के टुकड़े, और इसके साथ ही फ्रेंड्स पानी की बाल्टी है जिसमें 15 लीटर पानी है। तो फ्रेंड्स कम से कम आपको फर्स्ट टाइम जो है पानी डालने के लिए 15 या 20 लीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो है 5 वस्तुएं है टोटल मिला के, पानी के साथ 5 वस्तुएं है। तो फ्रेंड्स अभी एक एक करके जो है मैं हम सेकेंड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक करके इसमें जो है वस्तुओं को मिलाकर इसमें गड्ढे में डाल देना है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम सेकेंड स्टेप की ओर जहां मैं आपको वस्तुएं डाल के बताऊंगा। तो फ्रेंड्स सेकेंड स्टेप में जो है इस छड़ को हम जो है इसके अंदर डालेंगे, लेकिन उससे पहले सारी वस्तुओं को मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहले सबसे पहले जो हमारी तगारी थी तगारी में मिक्स करेंगे क्योंकि तगारी का आकार बड़ा है। तो फ्रेंड्स जिसमें कोयले रखे हुए हैं उससे पहले हम जो है इसमें नमक सॉरी इसमें जो डाल देंगे, पहले सबसे पहले राख डालेंगे। राख डाल के फ्रेंड्स इसके बाद जो है राख को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो सारी वस्तुएं डाल के फिर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एक वस्तु डालकर यहाँ पर मिक्स करूँगा।
आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी वस्तुएं जो हमने इसके अंदर डाली है। तो फ्रेंड उसके बाद सोडियम क्लोराइड या फिर नमक, नमक को डालना है इसके बाद। इसके बाद फ्रेंड्स लोहे के जो छड़ के टुकड़े थे आपने देखे थे, उनको भी जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ में ही डाल दीजिए। बाद में कौन डालेगा, इसके साथ में ही आप जो है रख दीजिए। उनको मिक्स तो जो है वैसे कर नहीं सकते, लेकिन इसको इधर उधर जो है डाल देंगे इसे। तो फ्रेंड्स ये चार वस्तुएं जो है हमने इसके अंदर डाल दी है। अब फाइनली लोहे का जो छड़ था, देखिए जो हम मेन छड़ है ये, इसका जो आकार है कम से कम 2 फीट होना ही चाहिए, क्योंकि 1.5 फीट जो है इसकी गड्ढे की गहराई है। इससे हम लाइट का वायर बाद में कनेक्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो उस पर भी जंग लगा होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे पर जंग लगा हुआ है पूरी तरीके से। ऑक्सीजन की जो परत है वो जमी हुई ऊपर, या फिर परत आ चुकी है। तो इसको जो है हम इस धरती के अंदर भेद के इसको रख देंगे। इसको आपको थोड़ा कड़क जो है कर लेना है, या फिर रखने के लिए जो है थोड़ा सा जमीन के अंदर डाल देना है, ताकि आसानी से एक जगह टिका रहे, वो सारी वस्तुएं हम इसके अंदर डाल सकें। तो फ्रेंड थोड़ा सा इसको दबाएंगे हम ऊपर से, ताकि जमीन के अंदर पूरी तरीके से लग जाए। ये है मेन छड़ फ्रेंड्स। इसी की सहायता से जो है करंट को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, धरती में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मेन छड़ है। तो फ्रेंड्स इसके लिए ये बहुत जरूरी है। इसके बाद सारी वस्तुएं हम इसके अंदर जो है डाल देंगे, तगारी वाली सारी जितने भी हमने मिक्स की थी। तो देखिए मैं अभी तगारी वाली सारी वस्तुएं डाल रहा हूँ। तो आपको भी जो है इस प्रकार से वस्तुएं सारी मिक्स करके आपको उसके अंदर डाल देनी है, ये देखिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको हाथ से जो है पूरा एक तरीके से जो है पूरा रेवल में कर देना है इसको। जो कोयले वगैरह है इसको रेवल कर देना है हाथ से। फ्रेंड्स सबसे पहले जो है मैं अभी इसको जो है रेवल कर दूंगा। अभी इसमें जो है जो हमने राख डाली थी, ये देखिए, पूरी तरीके से आपको एक बार रेवल कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसको रेवल कर देंगे, उसके बाद जो है आपको ध्यान से देखना है, लोहे के टुकड़ों को आपको साइड साइड में कर देना है कोने में। उसके बाद हम इस पर रेत डालेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखना है 1/2 फीट यानी कि 1.5 फीट गहराई थी, तो आपको कम से कम जो है 1/2 फीट ऊपर जगह खाली रखनी है, और 1 फीट में जो है आपको रेत डाल देनी है, यानी कि कोयले के साथ में 1 फीट की जो है लंबाई होनी चाहिए, और 1/2 फीट ऊपर से खाली छोड़ देना है आपको, क्योंकि 1.5 फीट गहराई थी। फिर पानी जो डालेंगे तो उसके लिए जगह नहीं बचेगी, पानी भी तो होना चाहिए इसके अंदर, तभी जो ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स अभी जो है हम इसके अंदर जो है रेत डाल देंगे। इसके अंदर आपको मिट्टी डाल देनी है। फ्रेंड्स धीरे धीरे करके आपको जो है काफी समझ आ ही गया होगा कि कौन कौन सी वस्तुएं हमें इस्तेमाल करनी है और क्या क्या करना है, जो हमें ये से बोलते हैं अर्थिंग। तो फ्रेंड्स अर्थिंग जो है जमीन में अर्थिंग लगाने के लिए आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ता है, चाहे वो बिजली घर का अर्थिंग हो या फिर छोटे से छोटा अर्थिंग हो, यही सेम टू सेम प्रक्रिया या प्रोसेस रहता है। लेकिन इसमें जो है क्या है कि साइज बड़ी होती है, यानी कि यदि बड़ा जहाँ से करंट जो है बड़ी मात्रा में आ रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, तो आपको गड्ढा बड़ा भी खोदना पड़ सकता है। और अभी तो चक्की का है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, तो चक्की का हो तो आपको यही सेम टू सेम साइज रखनी है, और सब कुछ जो है इतना ही डालना है। ज़्यादा मात्रा में आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि करंट का आकार या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो करंट है, आवेश जो करंट है, वो यदि उसकी मात्रा बड़ी हो, तो आपको जो है बड़ी मात्रा में या फिर बड़ा गड्ढा खोदना है, और कोयलों की जो है मात्रा या फिर नमक की मात्रा, पानी की मात्रा, वो सभी आपको जो है ज़्यादा मात्रा में यूज़ करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए काफ़ी मिट्टी हमने डाल दी है, थोड़ी और भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये मिट्टी जो है अभी गड्ढा काफ़ी गहरा है, अभी 1/2 फीट आया नहीं है। 1 फीट तक अभी जो है हमने पूरी भरपाई नहीं की है, थोड़ा और डालेंगे इसके अंदर मिट्टी। इसके ऊपर जो है ऊपरी भाग से लेकर अंदर तक आपको 1/2 फीट ही ऊपर खाली जगह छोड़नी है, पूरी आपको जगह जो है खाली नहीं छोड़नी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरी तरीके से जो है अभी लगभग हो ही चुका है, थोड़ी बहुत और मिट्टी डालनी पड़ सकती है यदि डाल देंगे तो, आपकी मर्जी हो तो थोड़ी और मिट्टी डाल देंगे, या फिर
इतनी भी मिट्टी काफी है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है इसमें मिट्टी आपको डालने के बाद इसमें पानी डालना है। जो 15 लीटर पानी था साइड में बाल्टी में वो डाल देना है। देखिए अभी थोड़ी बहुत और भी मिट्टी डाल सकते हैं। ये वायर है जो इसमें हम लगेंगे अभी। तो फ्रेंड्स ये होने के बाद ये देखिए पूरी तरीके से जो है छड़ अंदर गहराई में जा चुका है और ऊपर मिट्टी वगैरह आ चुकी है। थोड़ी और मिट्टी डाल देते हैं हम, क्योंकि अभी जो मिट्टी है पूरी मात्रा में जो है पूरी नहीं हुई थी, इसकी भरपाई पूरी तरीके से नहीं हुई थी क्योंकि ये जो आधा फीट से जो है कम था। फ्रेंड्स अब जो है इसकी पूरी की पूरी जो है लंबाई है जो अंदर की तरफ गहराई में वो ऊपर से लेकर इसकी मिट्टी तक आधा फीट है करीबन। अब ठीक है इसके अंदर जो है पानी डाल देंगे अभी। तो फ्रेंड अब आपको थर्ड स्टेप की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको जो है इसके अंदर पानी डालना है धीरे धीरे करके। थर्ड स्टेप में अभी फ्रेंड्स हम डालेंगे इसके अंदर पानी। लास्ट स्टेप है जो इसमें हम पानी डालेंगे फ्रेंड्स, जहां पर हमने काफ़ी सारी वस्तुएं जो है इस गड्ढे के अंदर डाली और ऊपर मिट्टी डाल दी। उसके बाद जो है 15 लीटर की जो ये बाल्टी है इसमें इसके अंदर जो एक जग है इसकी सहायता से हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स आप भी जो है इस प्रकार से जो है गड्ढा खोदकर या फिर सारी वस्तुएं डालकर उसके बाद आप जो है पानी डालेंगे इसके अंदर। चारों तरह जो है तरफ से आपको जो है इस गड्ढे को पूरी तरीके से भिगा देना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको 15 लीटर पानी की जरूरत होगी क्योंकि पहली बार जमीन या फिर मिट्टी काफी सारा पानी सोख लेती है और गड्ढे में थोड़ा बहुत ही बचता है, इसलिए आपको कम से कम 15 या 20 लीटर पानी आपको फर्स्ट टाइम चाहिए होता है। उसके बाद तो आपको केवल और केवल 1 लीटर ही चाहिए होगा। फ्रेंड पानी डालने के बाद जो है इसमें पूरी तरीके से आप जब पानी डाल दें तो उसके बाद हम वायर कनेक्ट करेंगे, जहां हम सीधा चक्की से जो वायर कनेक्ट करके फिर इसमें जो है ऊपर ये छड़ का टुकड़ा है इसमें वायर को डाल देंगे। आपको फ्रेंड ध्यान रखना है उतना ही वायर लेना है जहां आपकी चक्की से जहां पर आपके खालिस्तान या फिर कहीं भी जहां पर खाली जगह हो जहां पर आप गड्ढा खोद रहे हैं वहां तक आपको वायर की लंबाई लेनी है, क्योंकि इतना तो लंबा वायर चाहिए होगा। चक्की से लगाकर आपके जहां पर आपने गड्ढा खोद के रखा वहां आपकी छड़ में है जो छड़ है इस गड्ढे में जहां आपने डाली थी, तो उस तक आपका जो वायर है वो लंबा होना चाहिए। फ्रेंड ये पूरी तरीके से बाल्टी खाली हो चुकी है, पानी हमने पूरा इसके अंदर डाल दिया है। तो फ्रेंड बाल्टी को रख देंगे साइड में और इसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे वायर। फ्रेंड्स अभी जो है इस वायर को एक साइड से जो है आपको काट देना है या फिर वायर के अंदर वाला भाग निकाल लेना है फोर्थ स्टेप में। मैं आपको बता रहा हूँ फोर्थ स्टेप की सहायता से। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें वायर जो है मैंने एक बार कनेक्ट कर लिया है, थोड़ा बहुत छेद भी था इसमें फ्रेंड्स, तो आपके यदि छेद नहीं हो तो भी चलेगा कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर आप वायर को लपेट सकते हैं, लेकिन लपेटना पूरा है आपको वायर को, यानी कि ऊपर चारों तरफ जो है एक बार तो लपेटना ही है जिस प्रकार से अभी मैंने इस होल में जो है लपेट कर रखा है जो एक छेद था। फ्रेंड्स ये देखिए मैं वायरिंग आपको बता रहा हूँ कि चक्की तक किस प्रकार से मैंने वायरिंग जो है कनेक्ट करके रखी है। वायर को मैंने ऊपर पहले से ही ले लिया था क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, वायर को या फिर गड्ढे को मैंने आपने देखा ही था पहले से खोद के रखा था, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स वायर को मैंने पहले से ही कनेक्ट करके रखा है। ये देखिए आपको एक एक जो है कोना कोना बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से मैंने जो है वायरिंग को सेट करके रखा है चक्की तक लाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स पुराने हॉल में मैंने देखी फ्रेंड्स वायर को जो है चारों तरफ से कोने में वायर को लगा के रखा है गट्टी की सहायता से। आप भी इस प्रकार की जो है गट्टी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस वायर को जो है मैंने पहले से ही इसमें लगा ली। ये देखिए चक्की की जो मोटर होती है ये देखिए पहले मैंने पिन जो है निकाल ली है। आपको ध्यान रखना है जब वायर आप कनेक्ट कर रहे हो उस समय आपको चक्की की जो पिन है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वो निकाल लेनी है एक बार पूरी तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप ये देखिए चक्की की मोटर है पुरानी चक्की, ये देखिए आप इसके पीछे आपको यहाँ पर मोटर नजर आ रही होगी, तो मोटर में आपको एक पिन नजर आएगी
जहाँ काफी ट्रैक्टर की कड़ी पिन भी बोलते हैं इसको, कड़ी भी बोलते हैं इसको। ये देखिए ट्रैक्टरों ने, ट्रैक्टर जो होते हैं उसमें भी आपने ऐसी देखी होगी कड़ी जहाँ पर लगी होती है। तो ये कड़ी जो है इसको आपको खोल लेना है, ओपन कर लेना है इस कड़ी को। इसे घुमाएंगे आप तो कड़ी जो है खुल जाएगी, और इस कड़ी में जो है आपको वायर को लपेट लेना है और इस कड़ी को फिर से दोबारा जो है कस देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कड़ी में ही कसी हुई है, ये कड़ी आप देख सकते हैं। इस कड़ी में जो है मैंने इस वायर को लपेट के रखा है अंदर की तरफ, आप देख सकते हैं इसको। अभी मैंने थोड़ा टाइट कस के रखा है तो इसलिए अभी खुल नहीं पा रहा हाथ से। इसके लिए जो है हमें एक बोल्ट की आवश्यकता होगी जिससे मैं इसको मोड़ सकता हूँ और आसानी से खोल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आपको दिखाई दे रहा है खोलने की आवश्यकता है नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है आपको पूरी तरीके से इस प्रकार से वायरिंग या फिर गड्ढा बोल्ट वगैरह के आपको इस प्रकार से पूरा सेटिंग करना है। तो फ्रेंड फाइव स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप इस गड्ढे में वायर जो है आप पूरी तरीके से लगा कर जो है लाइट की जो पिन है वो आप लगा देंगे। फ्रेंड्स आप अब जो है चक्की की पिन लगा सकते हैं वापस बोल्ट में और चक्की को है जो स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम पूरी तरीके से जो है हमने अर्थिंग का कनेक्शन कर दिया है। और सो फ्रेंड इसके फायदे तो हमने जान लिए कि आपको जो है चक्की से पहले करंट आ रहा था, जहां पर आपको चक्की के टच करने से करंट का झटका लग रहा था, आपको जो है बिल्कुल झटका करंट का जो है नहीं लगेगा। और साथ ही फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको जो केबल जहां आप चक्की जब चालू करेंगे तो लाइट की जो केबल थी जहां से चक्की स्टार्ट हो रही थी उस केबल पर भी यदि आपको हाथ यदि आप टच करेंगे या फिर केबल कभी खुली हो तो उससे भी जो करंट आ रहा है बड़ी मात्रा में, तो उस पर भी आपको हाथ टच करने से थोड़ा बहुत ही करंट का झटका लगेगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं लगेगा। जितना जो है अर्थिंग के पहले झटका आपको यदि आप केबल के टच करते तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता था, आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और साथ ही फ्रेंड्स आप यदि चक्की के अब टच करेंगे तो चक्की से बिल्कुल करंट नहीं आएगा, आएगा तो केवल और केवल यदि आपको कभी केबल आपकी खुली हो तो केबल से आ सकता है, थोड़ा बहुत झटका आ सकता है अर्थिंग के कारण। ये सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिल गया अर्थिंग के कारण ही, आपको ये जो फ़ायदा है ये मिला है कि आपको जो है लाइट की केबल से भी जो करंट आएगा उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ही झटका लगेगा और चक्की से तो बिल्कुल करंट आएगा ही नहीं। तो फ्रेंड इसके बाद जो है इसकी हानि की बात करेंगे। फ्रेंड इसके बाद इसकी हानि भी है, क्योंकि जहां लाभ होता है वहां पर हानि भी होती है, हानि लाभ के साथ ही शामिल होती है। तो फ्रेंड्स इसकी हानि ये है कि आप इसमें रेगुलर प्रत्येक दिन जो है एक एक लीटर पानी डालते रहिए तभी ये गड्ढा जो है भीगा भीगा रहेगा। जिस दिन ये गड्ढा सूख गया और आपने जिस दिन जो चक्की को टच किया या फिर छड़ को टच किया तो थोड़ा बहुत आपको करंट का झटका लगेगा, क्योंकि ये सूखा हुआ गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स तभी आप तो हमेशा से आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक लीटर प्रत्येक दिन आपको सुबह या शाम पानी डालना ही है, या सुबह डाल दीजिए या शाम को, पहले की तरह 15 लीटर आपको पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा पानी जो है इस गड्ढे के अंदर डालना है तभी ये गड्ढा जो है भीगा रहेगा, तभी पूरी तरीके से जो करंट है वो ट्रांसफर हो पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो आपस में टकराते हैं, ऋणात्मक आवश्यक जो आवेश होते हैं या फिर धनात्मक जो आवेश होते हैं वो आपस में टकरने के कारण करंट उत्पन्न होता है, और ये करंट जो है पूरी तरीके से धरती में ट्रांसफर करने के लिए आपको इसमें पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो पहले कोयले लोहे के छड़ वो डाले थे वो करंट को ज़्यादा मात्रा में सिंचित करते हैं, ज़्यादा मात्रा में जो है उस करंट को जो है खींचने की ताकत रखते हैं और जल्दी से जल्दी जो है इस करंट को ज़मीन के अंदर डाल देते हैं ये खींचकर। तो फ्रेंड्स इसी कारण हमने जो है जंग लगे हुए टुकड़े लिए थे और जो है राख कोयले वगैरह नमक वगैरह ये लिया था। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर आप ध्यान रखिए, ये गड्ढा पूरी तरीके से भीगा हुआ ना चाहिए, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सो फ्रेंड आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो पाने के लिए इस चैनल पर बेल आइकन या फिर घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और साथ ही फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद नहीं आया है तो मुझे इसका रीज़न या फिर कमेंट बॉक्स में इसका कारण ज़रूर बताइए। साथ ही फ्रेंड्स अभी आपको पता चल गया होगा ट्रेंड कि COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस जो एक महामारी है हिंदुस्तान के अंदर फैल रही है और कितने सारे लोगों को जो है संक्रमित कर रही है। तो फ्रेंड्स आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने देश को सुरक्षित रखिए, और साथ ही फ्रेंड्स
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।